उसके जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं होगा मेरे शिव जैसा, बहुत बहुत अड़बन। अच्छा सबसे ज्यादा आनंद आता है ना हरतालिका तीज के दिन, तुम देख लो भगवान भला करे ऐसा आनंद आए, इतनी बड़ी थाली में केला के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शंकर जी बनाए और पूरे मोहल्ले की माताएं थाली भर भर के सामान लाए और ऐसी पल्लू ले लेके माताएं ककड़ी भुटभुटा नरियल सब शंकर जी पे पेल पत्ती पत्ता पत्ती धतूरा सारा सामान शंकर जी पे और सब सामान और शंकर जी ऐसा दबा दबाया बैठे। पार्वती जी बोली हटाऊं क्या, शंकर जी बोले धरे रहने दे अब तो सुबह 4 बजे हटेगा। और ये पूरी रात भजन गाती फिरे तांबा का हंडा तातो धरो पानी, शंकर जी बोले रहने दे सुबह से लेकर शाम तक मैं 25 बार नहा दी। और बोलती जाए नींद आए भोला नवा के देओ। इससे ज्यादा आनंद आवे तो कावड़ यात्रा में तुम देखना, और ऐसी भीड़ और लोग कावड़ ले लेके और भगवान पे जो गंगा जल फेंके, जो यहाँ की कावड़ तो हमने नहीं देखी कि यहाँ पर पानी कैसे चढ़ा देते हैं, पर काशी में तो ऐसी भीड़ आती है और गंगा जल ले लेके पानी भगवान शंकर पे फेंकते हैं और कहीं कहीं का तो गंगा जल ही। और पार्वती जी माँ पीछे कांच में बैठी और बैठी बैठी के भोलेनाथ जी क्या स्थिति है, शंकर भगवान बोले आन दो अपन तो बैठे। बहुत दूर से बहुत और आनंद इतना रहे ना हरतालिका तीज के दिन, माताएं दो सुबेरे से लेके 12:30 बजे तक बहुत अच्छी दिखती है, सुबह से दोपहर के 12:30 बजे तक, 12:30 के बाद तो पलंग पे मिलती पट्टा बांध के। फिर 4 बजे उठती, फिर जाके नहा के बाल तो भी मुंह पे स्माइल बिल्कुल नहीं रहे बेचारी, ये सीधे जैसे मरी हत्या। और फिर भी फोन लगा के पूछते रहते चाची जी पंडित जी कितनी बजे आएगा, पंडित जी कितनी बजे आएगा। और पहली पूजन पे चाय पहली पूजन के बाद हमने पूछा माता जी इसमें तो लिखा है कि दूध पिए तो बिल्ली बने, सोए तो अजगरी बने, बोले तो मेंढकी बने, तो तू तो चाय पी रही, किताब में चाय का नहीं लिखा। हमने फिर डबल से पढ़ी हरतालिका तीज की किताब, तो हमने देखा वास्तव में हमें चाय का नहीं था, माता इतनी चतुर जो चीज का नहीं लिखे वो निपटा जा रहा है। इसलिए किताब छापने वाले ने भी अच्छा करा सब चीज लिख दी, सोए तो ऐसा दूध पिए तो ऐसा, बेचारे को नहीं मालूम होगा कि चाय भी चलेगी, तो वो भी लिख देता। महाराज शिव करुणा सागर, उसके बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। राम जी की सेवा में तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कृष्ण की सेवा में भी ये चाहिए वो चाहिए, और शंकर की सेवा में तो पानी चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। शिव कहते हैं मुझे केवल एक प्रिय है और वो सत्य प्रिय है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे सत्य प्रिय, इसलिए जो मर जाता है उसको तोक के ले जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के जाते राम नाम सत्य। दुनिया के लोग इसलिए चिल्ला के ले जाते हैं कि इसको स्वीकार कर लेना, इसी ने सत्य बोला है, हम तो यूं ही झूठे ले ला रहे, हमारा काम तो इकट्ठा करके तुम्हारे यहां छोड़ना। असत्य नाम सत्यमय जीवन को,
यहाँ पर इंदौर से माताएं कथा सुनने आ रही हैं। कल उनके मिस्टर से मैंने उनके बेटे से बात करी थी। आप क्या पेशा है आपका, सर्विस क्या है आपकी? कई इंदौर कोर्ट में हम वकील हैं। ठीक है, तो पर गुरुजी चार महीने से कथा, हमने कोर्ट की नौकरी छोड़ दी, हमने वकालत छोड़ दी। हमने पूछा क्यों? शिव महापुराण की कथा में आप बोलते हो कि सत्यमय जीवन जियो और वकील बन जाते हैं तो इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। आज भी वो माताएं आई हैं? आज भी वो भैया आया होगा कि नहीं आया होगा? आया कहीं? आए? आज भी वो कथा में आया? कहे गुरु जी मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा पर झूठ बोलने की नौकरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जाना उसके पास में है तो मुंह भी उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरी जिंदगी, और आपसे भी निवेदन है, तुम झूठ बोल रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए चलेगा, पर थोड़ा सा सत्यमय जीवन जी लो। हफ्ते भर में एक दिन ऐसा बनाना जिंदगी में कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मोबाइल हो चाहे परिवार हो, बिगड़े काम बिगड़ जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जीवन को आज मैं सत्यमय जीवन बनाऊंगा। केवल सत्यनारायण की कथा कराने से, शंकर पे पानी चढ़ाने से शंकर नहीं मिलेगा भाई, थोड़ा जीवन को सत्य में जीना पड़ेगा। बहुत जीवन को तुमसे नहीं बनता, स्पष्ट कह दो मेरे से ये काम नहीं बनता, बनता तो करो सत्य में जीवन जो, झूठ नहीं, झूठ नहीं, मेरे को आता ही नहीं, जो आता वो आया, सामने आया, जो चीज है वो सामने। सत्यमय जीवन जियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी जिंदगी में आप सुंदरता प्राप्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। क्यों जीना सत्यता में, क्यों जीना सत्य के चक्कर में? एक गांव के पंडित जी मर गए, बहुत विद्वान कथाकार, बड़े विद्वान प्रखर, और मर गए तो नरक में चले गए। अब गांव के दो चार लोग और मर के नरक में गए, तो नरक में गए तो पंडित जी मिल गए, तो गांव के लोगों ने कहा पंडित जी तुम तो हमारे गांव के इतने विद्वान पंडित जी थे, तुम तो खूब पूजन पाठ करते थे, फिर नरक कैसे चले गए? पंडित जी बोले ये मैं खुद नरक नहीं आया, पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी ने कहा नरक भेज दिया तुमको? वो रोज तैयार होके आके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो मुझे रोज कहना पड़ता था तू बहुत जोरदार लग रही, भले वो बेकार दिखे पर कहना तो अच्छा। तो ये झूठ बोलने के चक्कर, तो माताओं से निवेदन है आधे से ज्यादा पति तो तुम्हारे चक्कर में नरक जा रहे जी जी हो, तुम लोग पूछो ही मत करा करो कि मैं कैसी लग रही। पर कहीं का पड़ गया एक आध माथा तो एक वो कहे ना एक कहावत है ना, पति तैयार हो रहा था और पत्नी सज धज के वो पति ऑफिस जा रहा जूता पहन के, और ये वहां आके खड़ी होगी, जी मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति जूता बांध के जा रहा था ऑफिस, बेचारा बैग उठा के फिर पूछा बोलो तो सनी मैं कैसी लग रही, पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भेस चल रही। पूछा ही क्यों? भगवत तत्व की शरणागति है महाराज, जीवन में थोड़ा सत्यमय जियो, सत्यम शिवम। अच्छा बहुत कथा कह रही है। भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव के लिए आदर करा, भगवान शंकर की पूजन करी, भगवान शिव ने कहा नारायण ये ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से बट वृक्ष उत्पन्न होगा। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष, बड़ का पेड़। और इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता की पूजन नहीं होगी, होगी तो केवल पितरों की पूजन होगी। और मैंने इस ब्रह्मा के मुख को बड़ का पेड़ बनाया है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव रहेगा। कौन सा महादेव? बट। यहाँ पर भी होंगे बटकेश्वर महादेव कहीं ना कहीं। महाराज
बटकेश्वर महादेव, जो घर में चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है, झगड़ा होता है, क्लेश मचा होता है, घर में शांति नहीं रहती, तो बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्री की डंडी को फंसाकर उसमें एक लोटा पानी और दूध चढ़ाकर आ जाइए, घर में शांति हो जाती है, कभी क्लेश नहीं मचेगा। सोमवार की अष्टमी के दिन ये क्रम किया जाता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। सोमवार की अष्टमी बटकेश्वर महादेव के मंदिर में। शिव को भगवान ब्रह्मा का मुख बड़का हो गया। समय आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आगे बढ़ गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए। शंकर जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसी रचना है? भगवान भोलेनाथ ने अपना अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती के रूप में भगवान दर्शन दिए और कहा, इस रूप को ब्रह्मा जी देख लो और ऐसी सृष्टि की रचना कर दो, आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा आधा पुरुष आधा स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले करके बना दिया। शंकर जी और पार्वती जी का जो स्वरूप का दर्शन करा तो पुरुष और स्त्री को दोनों को जोड़कर बना दिया। जैसे ही जोड़कर बनाया तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ किन्नर ही किन्नर उत्पन्न कर दिया, चारों तरफ किन्नरों की सृष्टि हो गई। सबसे पहली पृथ्वी पर अगर कोई सृष्टि की रचना हुई थी तो उसके निर्माता ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने अगर पहली सृष्टि रची थी तो वो किन्नर की थी। किनकी सृष्टि थी? जम के बोलिए, किन्नरों की सृष्टि। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। जब किन्नर किन्नर चारों तरफ हो गए, इतने में वहीं से भगवान शंकर और भगवान विष्णु निकल कर आ रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, चलो प्रभु सृष्टि की रचना हो गई होगी, देख लेते हैं। भगवान नारायण ब्रह्म शंकर जी के साथ जैसे नीचे आए, आकर देखा तो किन्नर किन्नर नजर आए। जैसे ही किन्नरों को देखा, इतने में भगवान विष्णु ठहाका लगाकर हंस दिए। भगवान शंकर को बुरा लग गया। शंकर जी ने कहा, नारायण तुम क्यों हंस रहे? अरे प्रभु, ब्रह्मा जी से कहा था सृष्टि की रचना करो, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, उन्होंने जोड़कर बना दिया दोनों को, पुरुष स्त्री किन्नर बन गए। शंकर भगवान बोले, गलती किससे नहीं होती, ब्रह्मा से गलती हुई है तो सवरेगा सुधरेगा, पर ब्रह्मा जी से गलती हुई है पर भगवान नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। किसको? जम के बोलिए, भगवान नारायण, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दी। नहीं, शंकर जी बोले, आप हंसे हो इन किन्नरों पर तो तुमको किन्नर तो बनना पड़ेगा। और याद करो वो चरित्र, जब भगवान विष्णु किन्नर बने थे, कथा सुनी होगी आपने महाभारत की, कि द्रौपदी को जब लेकर आए अर्जुन, और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर आए तो माता कुंती ने भोजन बनाते बनाते कह दिया, पांचों बांटना। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मेरी माँ ने कहा है तुम्हें पांच पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, बन जाऊंगी, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में एक एक साल रहूंगी, और मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको पांच वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर आप मंजूर करते हो तो मैं एक एक पांचों पतियों की पत्नी बनने को तैयार हो जाता। द्रौपदी ने पांचों पतियों के साथ में फेरे लिए, रहने लगी। आज भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी और भीम के साथ द्रौपदी रह रही, और इतने में अर्जुन के पास में एक ब्राह्मण आकर बोला, अरे महाराज मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, बचाइए मेरे बच्चे को। और इतने में अर्जुन गया, मेरा गांडीव कहाँ है? गांडीव तो भीम के कमरे में था। और अर्जुन गया और भीम के कमरे से गांडीव लेकर आ गया और लेकर आया, बच्चे को बचा लिया, पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम्हें पांच साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन पांच वर्ष के लिए बन चले गए। नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली। अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावण। क्या नाम था? जम के बोलो, अरावण। क्या नाम है? अरावण। अर्जुन का लड़का हो गया, अर्जुन वापिस आ गए। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हुआ तो कुरुक्षेत्र की भूमि, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी को प्रसन्न करना था, और चंडी को प्रसन्न करने के लिए नियम था
कि जब युद्ध प्रारंभ होगा तो दोनों तरफ से परिवार में से एक एक बलि देना पड़ेगा किसी व्यक्ति की। कौरव तो खुश हो गए, हम तो सो भाई एक मर गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों का क्या होगा, 5 में से एक मर गया, 4 ही बच पाएंगे। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम 5 में से मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। अर्जुन ने कहा, स्वामी किसी को तो मरना पड़ेगा, बलि तो देना है चंडी को प्रसन्न करने के लिए, परिवार का कौन देगा बलि, एक मरना। अर्जुन याद कर, तू वन गया था तो तेरा लड़का हुआ था, तू जा उस लड़के को लेकर। अर्जुन गया वन में, जब तक लड़का बड़ा हो गया था रावण उसको लेकर आ गया। रावण हमें युद्ध में तुम्हारी जरूरत है। उसने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। रावण आया, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, रावण तुम कहते हो कि मैं प्राण देने को तैयार हूं, तुम्हारे प्राण चाहिए। रावण कहता है, युद्ध के मैदान में मैं मरने को तैयार हूं दादा, मैं मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध के मैदान में तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, चंडी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से एक एक बलि जाना है। कौरव अपने भाई की बलि दे रहे हैं तो हमको तुम्हारी बलि देना है। रावण कहता है, दादा मरने को तैयार हूं, परंतु एक दिक्कत है। क्या? अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना मुझे तर्पण मिलेगा। 16 सनात का भोजन कभी कुमारे मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, जो कुमारी अवस्था में मर गए। ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा। मैं आहूत बन जाऊंगा, मैं वासुक बन जाऊंगा, मैं फिरता फिरूंगा प्रेत योनि में, मेरी मुक्ति नहीं होगी। एक काम करिए, मेरी शादी कर दो, फिर मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, कल इसकी बलि चढ़ना है और एक रात के लिए इसकी शादी करना है, जल्दी लड़की ढूंढो। पूरे हस्तिनापुर में लड़की ढूंढी पर लड़की नहीं मिली। रात्रि के 11 बज गई, कन्या प्राप्त नहीं हुई। भगवान को चिंता लग गई, अगर इसका विवाह नहीं होगा तो ये मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो बलि कौन की चढ़े। तो भगवान कृष्ण को याद आया कि मुझे शंकर जी ने किन्नर बनने का श्राप दिया था। शंकर भगवान के वचन को निभाने के लिए भगवान एक रात के लिए उस रावण के पत्नी बन गए। आज भी किन्नरों की शादी होती है एक घड़े से, एक रात का विवाह होता है उनका। उस घड़े का नाम रहता है रावण। क्या नाम है? किन्नरों के पति का नाम है रावण। उस घड़े से विवाह होता है, फिर घड़े से ही वो मांग भरते हैं, घड़े से ही मंगल सूत्र पहनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ किन्नर मांग भी भरते हैं, मंगल सूत्र भी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, पांव में बिछूड़ी पहनते हैं। तो कई लोगों के मन में आता है, इनका पति कौन है? इनका पति रावण। एक रात्रि का विवाह किया जाता है इनका, एक और उस रावण का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में हुआ। किन्नर भगवान को बनना पड़ा, प्राण छूटे उस रावण के, भगवान फूट फूट कर रोए। भगवान ने ये लीला शिव जी के वचन को निभाने के लिए। किन्नर शास्त्र कहता, किसी पर मत हंसो जिंदगी में कभी, ना जाने कौन सी घड़ी, किस पल, किस जगह, किस स्थान पर हम हंस दिए और वो बुरा हो गया, ना हंसिए। अपने को प्रसन्न रहना है अपनी जगह पर रहिए, अपने को अलमस्त रहना है अपनी जगह पर रहिए, पर किसी को देखकर, किसी को उंगली उठाकर, किसी की ओर निगाह करकर हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं होना चाहिए, उसको ना जाने कब ठेस पहुंच जाए। प्रसन्न बहुत आज ब्रह्मा जी, तुमने सृष्टि की रचना ठीक नहीं करी, इसलिए आज भी हिंदू धर्म की रीति है भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो मंदिर में लगा सकते हो, आश्रम में लगा सकते हो, पर घर में अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो नहीं लगाया जाता। शंकर के आधे शिव और पार्वती का स्वरूप, कौन सा स्वरूप? जम के बोलिए, अर्धनारीश्वर। घर में नहीं लगता वो फोटो, अगर आपको लगेगा तो कहीं आश्रम में लग जाए, कहीं मंदिर में लग जाए, कहीं अन्य जगह पर लग जाए, पर घर में अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो नहीं लगाया जाता। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन,
सृष्टि की रचना का फिर निवेदन करा। ब्रह्मा जी ने अपनी जंगा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा, उन्हीं की सृष्टि आगे बढ़ी। उत्तानपात परिवत कन्या देवहूति प्रसूति आपूति हुई और कन्या प्रसूति का चरित्र वर्णन किया गया जो दक्ष प्रजापति के साथ में दिया। माता प्रसूति के गर्भ से कई बच्चों का जन्म हुआ, कई बच्चों ने जन्म लिया, पर जितने बच्चे लड़कों ने जन्म लिया उनको देवऋषि नारद ने सत्कर्म में लगा दिया, सबको भजन में लगाया, कीर्तन में लगाया, सबको सत्संग में लगाया। 60 कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद भी देखो, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब संस्कारित हो, सब संस्कार। और फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए नस्ल को सुधारने के लिए संस्कारों का होना जरूरी है। क्या दीजिए बच्चों को? अरे बोलो तो, संस्कार। श्रेष्ठ क्यों कहते हैं कि बच्चों को गीता पढ़ाओ? कहीं के लिए कहते हैं, किस लिए कहते हैं? गीता पढ़ाने पर प्रेशर क्यों दिया जाता है? पढ़ाओ बच्चों को गीता। क्यों? आज घर के बच्चे अगर गीता पढ़ लेंगे तो कल ये बच्चे बड़े होकर कोर्ट में गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। अगर आज इन्होंने पढ़ ली है तो कल इनको अदालत पर गीता में हाथ नहीं रखना पड़ेगा। इनको पढ़ाई, इनको संस्कार दीजिए। बच्चों को कार मत दो, क्योंकि बच्चों को कार दोगे तो वो बेच कर खा जाएंगे। बच्चों को संस्कार दोगे तो कारों की भी लाइन लगा देंगे। अगर और कार जब शोभा देती है जब उनमें संस्कार हो महाराज। धन जब शोभा देता है जब आपके भीतर नम्रता हो साहब। मालूम पड़े पैसा बढ़ गया और अभिमान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, तो भगवान भी कहते हैं बढ़ने दो बढ़ने दो। होता है कई लोग कहते हैं महाराज हमारा पड़ोसी कभी अगरबत्ती नहीं लगा, हमारा पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जा, और चार चौगुना बढ़ते चले जाए, भगवान उसको खूब दे दिया। और हम तो रोज मंदिर जाए, रोज अगरबत्ती लगाए, रोज दिया बत्ती करें, रोज भगवान के मंदिर में पहुंचे तो भी हमको दुख मिल रहा है। कहते कि नहीं कहते लोग, हम ही कष्ट में, हम ही परेशान। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाए तो भी हम परेशान, और हमारा पड़ोसन, हमारी देवरानी, हमारी जेठानी, हमारे रिश्तेदार कभी मंदिर नहीं जाते, तो बढ़ते ही बढ़ते ही। तो ये चरित्र शिव महापुराण में लिखा है। एक बार भगवान विष्णु देवऋषि नारद के साथ पृथ्वी पर निकले। अच्छे से समझ लेना कि तुम्हें दुख क्यों मिल रहा, और जिसको भगवान ने दिया तो उसको और क्यों दे दिया। अच्छे से समझ। विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु और नारद निकले। निकलते समय नारद जी ने भगवान नारायण से कहा मुझे भूख लग रही है बहुत। भगवान ने कहा मुझे भी भूख लग रही है। सामने सेठ जी का घर है, चल वहां से कुछ खा लेते। सेठ जी क्या पहुंचे, ब्राह्मण का रूप रखकर, सेठ जी भिक्षाम देही, सेठ जी भिक्षाम देही। सेठ जी पान चबाते चबाते बाहर निकल कर आए, क्या है हमें भूख लग रही है महाराज, कुछ होए तो दे दीजिए। सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख के गया, जो तुमको दे दो निकलो यहां से बाहर, फिर ही फोकट का है, चलो। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। नारद जी भगवान नारायण से बोले प्रभु बहुत घोर अपराध हुआ है, अपना अपमान हुआ है, श्राप दो इसको, देव श्राप। ये सेठ कंगाल होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए, देव श्राप। भगवान नारायण ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों हाथ उठाकर कहा जा चार चौगुनी लक्ष्मी और बढ़े, तू और करोड़पति बनता चले जा, और धनपति बने। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को देखकर कहा उसने तुम्हारा अपमान करा, उसने तुम्हें अपशब्द कहा, और तुम उसको क्या कर रहे हो चार चौगुनी लक्ष्मी और बढ़े, वो पहले से तो सेठ और सेठ बन जा, हाँ बनने दे चल। नारद जी को बुरा लग गया, और आगे गए, भगवान के भूख लग रही, क्या करें। सामने बुढ़िया का मकान था, झोपड़ा, आवाज लगाया माँ भैया हमको भूख लग गई। माता जी ने आकर आसन बिछाया, बिछा कर कहा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, पानी लाई। क्या बात है, हमको भूख लग रही है। बूढ़ी अम्मा ने कहा महाराज जी
हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, केवल एक गाय है, उसी गाय का दूध मैं लेती हूँ, उसी गाय का दूध बच्चा है, तुम दोनों ले लो। अभी लाती गौ माता का दूध लाकर भगवान नारायण और नारद को दिया, दोनों ने पिया, पीकर चले। नारद जी ने कहा कितनी अच्छी माता है, कितनी सेवा करी है प्रभु, इसको आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़े, बेचारी की यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक गाय है, केवल एक गाय, आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने पीछे पलट कर देखा, दोनों हाथ उठाकर भगवान विष्णु बोले, जा तेरी गाय मर जा, जा तेरी गाय मर जा। अब पहले से दुखी थी और दुख, देवऋषि नारद को बुरा लगा, नारद जी ने कहा प्रभु जिसको तुमने अपशब्द कहना था उसको अपशब्द नहीं कहा, और बिचारी बुढ़िया ने तुमको दूध पिलाया, बिचारी बुढ़िया ने तुमको पानी पिलाया, और तुम उससे कहते हो उसकी एक गाय और वो भी मर जाए, क्यों? भगवान बोले नारद तू मेरी लीला कभी नहीं समझ सकता, नारद तू मेरी लीला को नहीं समझ पाएगा, नारद ये जो बुढ़िया है ना ये दिन रात मेरा भजन करती है, दिन रात मुझको भजती है, और अंतिम में इसके जब प्राण छूटेंगे, अगर इसकी गाय जीवित रहेगी तो इसके प्राण उसमें अटके रह जाएंगे, मेरी गाय किसके पास जाएगी, कसाई में काट दे ना जाने के, तो मैं इसके मरने से पहले इसका जंजाल मिटाना चाहता हूं, इसलिए मैंने कह दिया तेरी गाय मर जा, तुम निर्मल मन से मेरे पास आ, मेरी होकर तो दूसरा जन्म नहीं होगा। और सेठ जी को धन बढ़ने का इसलिए कहा, अभी तेरे पास धन था और करोड़पति बन जा, तू पैसे को जोड़ जोड़ के जो मरेगा तो सांप बन के उसी घर में बैठा रहेगा, मेरे पास तक नहीं आएगा, और जोड़ और बढ़े और बाद में सब बने, मेरे पास इसको दिया। कई लोग हमको मकान दिखाने ले जाते हमारा, कई लोग जैन साहब कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, और मकान दिखाने जब ले जाते हैं तो ये हमारे बड़े बेटे का रूम है, अच्छा अच्छा, ये छोटे का बेडरूम, अच्छा, और ये मंजिल, अच्छा, ये बेटी का, महाराज ये रूम हमारा, अच्छा अच्छा, और उसी रूम में हॉल में एक छिपकली चिपकी थी, कौन चिपकी थी? छिपकली, हमने छिपकली को देखा तो हमसे जजमान ने पूछा महाराज आप रूम नहीं देख रहे छिपकली को देख रहे, हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो ये मेरा है उसी तरह छिपकली भी कह रही ये मेरा है। ना जाने कौन तुम्हारे परिवार का तुम्हारे कुल का मेरा कहते कहते मर गया तो छिपकली बन गया, अभी भी नहीं छूट रहा इसलिए मैं चिपकी हुई है, उसको 25 बार भगा फिर आ जाता मेरा घर, मेरा घर। अब बताओ आप में से कौन कौन छिपकली बनना चाहता है? अरे बोलो तरी मोहनपुरा की जी जी हो, कभी मत कहो कि मेरा है, क्या लाए थे क्या, जाओगे मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाओगे सब धरा रह जाएगा, एक से बढ़कर एक साड़ियां फालती को लगी की लगाई। फिर जाते जाते ऊपर से याद आएगी पीली वाली तो पीली तुम्हारी पीली रह गई, और यमराज से कहोगे मुझे तीन चार दिन और जिंदा कर दे मैं पीली पहन लूं फिर मर जाऊं। काहे धरी पड़ी और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा, केवल दो गज और कुछ भी। कितनी जगह ट्रेन में सफर कराया, अरे बोलो तो जम के रिजर्वेशन कराया, सीट मिली थी, सोए थे, बस उतनी जगह जिस सीट पे सोए थे,
और दूसरे की सीट पर चढ़ने की कोशिश भी मत करना, सामान फेंक देगी। उतनी और उत्ती सी जगह, और उसके बाद में भी जगत था झमेला। काकी ने ऐसा बोल दिया, चाची ऐसी बोल दी, बुआ जी ऐसी बोल दी, उन्होंने ऐसा बोल दिया, रोए रोए मरी जा रही। और कितना भी रो लो, आखिरी का फोटो में तो स्माइल देना ही पड़ेगा, जो दीवार पे टंगेगा और माला प्लास्टिक के फूल की ऐसी, और डॉक्टर स्माइल देती रहेगी। और वो फोटो के बाद में 16-17 में नीचे उतरेगा, और नीचे उतर के फिर खीर और पूरी को ऐसे मल के चिपकाएंगे, और अम्मा स्माइल देगी, और खीर पूरी चिपकी रहेगी पूरी साल। वो खीर पूरी इसलिए चिपका देंगे।